क्यों है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अभी अभी हमने शो किया है, मोहसिन भाई थे शो में। जैसे आप सब ने इतने मैसेजेस किए कि मोहसिन भाई को लेके आए, आप उनको क्यों नहीं लेके आ रहे, तो बस आज आए हैं शो में। और बाद हमने शो में एक्चुअली सारा पाकिस्तान और श्रीलंका पे ही टाइम गुजर गया, लाइव कॉल्स इतनी ज़्यादा आई, बात नहीं हुई। तो मोहसिन भाई, अब लोग कहते हैं कि आपका वो जो पहले वाला अंदाज था ना, वो मेरी वजह से, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला आपको, वैसे ही ये कह रहे हैं कि कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा उस टोन में नहीं बोलना। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान आ रहा है तो आपकी तो वो टोन वापस आ जानी चाहिए। बात टोन की नहीं है, देखिए ये ढीठ हो गए हैं, शर्म नहीं आ रही इनको। अगर इन्हें शर्म आती ना तो ये कभी भी इस तरह मुल्क और कौम के लिए बेइज्जती का बाइस नहीं बनते। अभी आप इंडिया को देख लें, यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, देखें ना जैसे वो मानिक है, आज फिर सो गया। और हमने पिछले शो में अगर गलत कर दिया था तो हम भी तो इंसान है ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। यार मनीष अग्रवाल हमने बोल दिया था, तो अभी अगर ऐसी छोटी मोटी बात हो जाए, मतलब इतना तो नहीं है ना, हो जाता है। फिर हमें कोई इंडिया के सारे प्लेयर्स का तो नाम नहीं पता या गैर मुल्कियों, हाँ जो मेन स्ट्रीम है अगर उनका हमने गलत नाम लिया फिर आप कह सकते हैं। अब जो नए आएंगे ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत उनसे हो जाता है हमसे, लेकिन देखें ये होती है शेयर क्लास, ये होता है टैलेंट, ये होता है आप अपने यंगस्टर्स पे कितना मेरिट पे जो मौका देते हैं, मेरिट हो या ना हो, जब आप एक दफा मौका देते हैं जिसमें। जी मोहसिन भाई, पहले तो हम थोड़ी अपनी श्रीलंका के बात करें ना, जो हमने इंसल्ट करवाई है अपनी, वाइट वॉश करवाया। खैर क्रिकेट में तो ऐसा वर्ड ये सब बहुत हार्श है, लेकिन जो हुआ है, नंबर एक टीम, नंबर आठ, उनकी भी बी नहीं सीट, जैसे आप शो में भी कह रहे थे, पांच तब्दीलियां उन्होंने कर दी। यार हम तो ये कह रहे थे कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, वो अपनी बी टीम की बुला के हमें यहाँ पे बजा के और फिर अपनी बेंच स्ट्रेंथ वो टेस्ट करके चले गए। देखें रिजवान, बात यह है कि पाकिस्तान टीम पे बात